हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है सौरभ शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के जस्ट 9th एंड 10th चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि जस्ट 9th एंड 10th चैनल के जरिए अनअकैडमी आप सभी 9th और 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं इंडिया के टॉप क्लास, इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ जुड़ने का मौका। और इन टीचर्स के साथ जुड़ के आप अपनी स्टडीज को एक अलग लेवल तक, एक अलग मुकाम तक ले जा सकते हैं। तो जस्ट 9th एंड 10th चैनल के जरिए आपको 9th और 10th के सभी सब्जेक्ट्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ठीक है? तो जल्दी से जिन स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से बिना देरी करें हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक हम देख लेते हैं कि आज हम किस पे बात करने वाले हैं। तो अब आपका दिवाली का वेकेशन स्टार्ट हो गया है तो दिवाली वेकेशन पे क्यों ना हम कुछ रिवीजन कर लें। जो प्रीवियस वाले जो चैप्टर्स हमारे पढ़े हुए हैं इन चैप्टर्स का हम रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आज फर्स्ट चैप्टर हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज रियल नंबर, और रियल नंबर का आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी से मैं अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरा नाम सौरभ शर्मा है, मैं बीटेक ग्रेजुएट हूं इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। मेरे को ऑलमोस्ट मोर देन 9 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है और अपने इस 9 ईयर के कैरियर में मैंने क्लास 6 से लेके क्लास 10th के स्टूडेंट्स को सीबीएसई एग्जाम्स के साथ साथ एनटीएससी और ओलंपियाड की प्रिपरेशन भी करवाई है। इसके अलावा मैं कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुका हूं। तो इस तरह से अपने इस 9 ईयर के कैरियर में आप जैसे 8000 स्टूडेंट्स के साथ एक वन टू वन रिलेशनशिप से, एक वन टू वन बॉन्डिंग से मैंने बना रखी। ओके, तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम हमारे हर सेशन में मैं आप लोग से डिस्कस करता हूं, जिसके बारे में मैं आप लोग को हर सेशन में बताता हूं, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले कि बेटा आप लोग ने अभी तक अगर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग मोबाइल फोन के अंदर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए। और ये जो लिंक गिवन है HTTP, ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके, इस लिंक के थ्रू जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके जो भी सब टीचर्स हैं, जो भी बेहतरीन बेस्ट टीचर्स हैं, उन सभी टीचर्स का रेगुलर अपडेट्स, कौन कब कहाँ कैसे किस टाइम पे किस टॉपिक पे क्लास ले रहा है, सब कुछ उसका नोटिफिकेशन आपको इसी एप्लीकेशन पे, इसी चैनल पे आपको मिलेगा, ठीक है? तो इस चैनल को जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें अवेलेबल फोटोज, वीडियोस, फाइल्स, लिंक्स, ऑडियो फाइल्स, वॉइस मैसेज सबको आप वन थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? अब इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बिना देरी करे जल्दी से अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि आप लोग को इस पे बहुत सारे बेहतरीन प्लस कोर्सेज का फायदा आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स जो है वो यहीं पे आपके पास है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो उन टीचर्स से आप उनके प्लस कोर्सेज का पूरा पूरा फायदा उठा सको। तो इसीलिए बेटा मैं जल्दी से आप लोगों को कह रहा हूं कि अनअकैडमी प्लस का फटाफट से सब्सक्रिप्शन प्लान इसमें ले लो। इसमें आपके पास जो प्लान है वो आपके पास मिनिमम 1 मंथ से स्टार्ट होता है, 1 मंथ से लेके आपके पास 36 मंथ तक के प्लान है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा प्लान लेना है। मैं तो बच्चों को यही प्रेफर करता हूं कि आप इसमें लॉन्ग टर्म का प्लान लें। जितने लॉन्ग टर्म का आप लोग प्लान लोगे, 24 मंथ या 36 मंथ का जितने लॉन्ग टर्म का आप लोग प्लान लोगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है, आगे तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि अभी आप लोग क्लास 10th में हो, जैसे जैसे अपडेट होगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 11th में, 12th में, आगे ग्रेजुएशन में जाओगे, तो वहां पे भी आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पे आपको पता है 9th, 10th के अलावा बहुत सारे कोर्सेज ऐसे चल रहे हैं जिनका आप फायदा उठा सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन भी। तो जल्दी से बेटा मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें लॉन्ग टर्म का प्लान लें, क्योंकि अभी 10th में हो, आगे आप 11th, 12th में पहुंचोगे, वहां पे भी आपको गाइडेंस मिलेगी यहाँ पे इस प्लान के थ्रू, और आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां पे भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, ठीक है बच्चों? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ जल्दी से आप लोग लॉन्ग टर्म का इसमें प्लान ले लो, और जितने लॉन्ग टर्म का प्लान लोगे उतना ही परसेंटेज आपको डिस्काउंट भी इसमें मिलने वाला है, उतने ही परसेंटेज डिस्काउंट भी इसमें आपको मिलेगा, ठीक है? ऊपर से अगर आप इसमें मेरा कोड यूज करते हैं, ये जो मेरा कोड है SSMaths, अगर इस कोड को आप यूज करते हैं तो इसमें आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा।
ठीक है, तो जल्दी से अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट कि आप लोग को एक चीज और बता दूं कि हम लोगों ने अभी अपना एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी स्टार्ट किया है। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी ले सकते हैं, या आप लोग के लिए कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट पैकेज है। इस कंप्लीट पैकेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, सबसे पहले मैं आप लोग को ये भी बता देता हूं कि इसमें आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, कि आपको पर्सनल वन टू वन गाइडेंस दी जाएगी एडुकेटर्स के थ्रू। ठीक है, वन टू वन गाइडेंस इसमें आपको मिलेगी, कहीं पे भी आप कहीं अटक रहे हो किसी भी चीज में तो आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। सेकेंड, इसमें लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग कि आप वहां पे अपने सामने लाइव होके आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कहां पे किस टॉपिक पे क्या डाउट आ रहा है, सब कुछ वो वहां पे आपको लाइव डाउट सॉल्व किया जाएगा आपका। ठीक है, इससे भी इंपॉर्टेंट कि आपकी वीकली रिपोर्ट इसमें जनरेट होगी, कि वीकली रिपोर्ट क्या कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही, कि आपने वीक में कितनी क्लासेस अटेंड करी, आपकी क्विज में परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, इन सबका एक वीकली एनालिसिस करके एक रिपोर्ट आप लोग को दी जाएगी, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मेरी तैयारी कितनी चल रही है। ठीक है, तो बिल्कुल। और इसके बाद आपको पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स होगी, इसमें पेरेंट्स के साथ कनेक्ट किया जाएगा कि आपसे डिस्कस किया जाएगा पेरेंट्स के साथ कि यहाँ पे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कोई पर्सनल मेंटरशिप की जरूरत है तो वो आपको गाइड प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास स्टडी प्लानर होगा कि आपको कंप्लीट मंथ में कौन सा टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको पूरा वन मंथ का शेड्यूल आपको पहले से पता होगा। ठीक है, तो इससे आप अपनी स्टडीज को भी, आप अपनी अदर स्टडीज को भी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलने हैं। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलनी है, इसके अलावा आपको प्लस के भी सारे बेनिफिट्स इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, प्लस के भी सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। तो आप चाहें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान पे भी जा सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान में भी अगर आप वही सेम कि यहाँ पे भी आपके पास मैक्सिमम 36 मंथ तक का प्लान है जो आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आप अपने अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना प्लान चूज कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, ये जो मेरा कोड है SSMaths, अगर इस कोड को आप यूज करेंगे तो इसमें भी आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अलग अलग पेमेंट के मेथड्स है, सारे मेथड्स इसमें लग जाएंगे आपके। ठीक है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट चाहे जिससे आप इसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बेटा इन प्लान्स को जल्दी से इन पे थोड़ा सा विचार विमर्श करो और फटाफट से प्लान ले लो, क्योंकि आप लोग की स्टडीज है, 10th बोर्ड है, तो आपको तैयारियां भी उसी अकॉर्डिंग करनी है, कहीं आप पीछे ना रह जाओ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले अगर हम बात करें कि रियल नंबर अगर हमारा चैप्टर है तो इस चैप्टर के अंदर से टॉपिक्स हमारे कौन कौन से कवर होते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इसमें आता है आपका, सबसे पहले हम टॉपिक्स देख लेते हैं कि इसमें जो आपके टॉपिक्स आते हैं, सबसे पहला टॉपिक आता है आपका यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिविजन एल्गोरिदम। उसके बाद आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थर्ड टॉपिक है इसमें रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, और फोर्थ टॉपिक है इसमें रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। टोटल मिला के चार टॉपिक्स है। और इस बार तो NCERT ने आप लोग के सिलेबस में से कुछ कम बेसिक किया है, तो उसमें से ये वाला टॉपिक तो हटा दिया गया, तो इस बार इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम आज इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, भाई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो टॉपिक में से क्वेश्चन आने उन पे हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले चलिए हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है। तो फंडामेंटल ऑफ अर्थ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है आपको कि एवरी कॉम्पोसाइट नंबर, कि जितने भी कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं ना, जिनके जितने भी कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड ऑल्सो दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जैसे कोई भी नंबर सोच लो, कोई भी कॉम्पोसाइट नंबर आपको पता है ना, कॉम्पोसाइट नंबर वो होता है जिसको आप जो दो या तीन नंबर के मल्टीप्लीकेशन से बनता है, जो दो या तीन नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बनता है। आपको प्राइम नंबर पता है, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है वो खुद या फिर वन, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखूं, फॉर एग्जांपल के लिए
कि जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 2, तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर हम देखें तो सिर्फ 2 है, सिर्फ इस 2 ही इसका फैक्टर है या फिर 1 होगा। ऐसे ही और प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 5 होता है, ठीक है, 5, 7, इसी तरह से आपके पास 2, 5, 3, 7, उसके बाद फिर होता है नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 11, उसके बाद क्या आता है 13, उसके बाद क्या आता है 17, उसके बाद क्या आता है 19, और इस तरह से आगे चलता रहता है 23, फिर आगे नेक्स्ट और नंबर्स आते रहेंगे 23, 29, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स आते रहेंगे। तो बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, ये सब कैसे नंबर्स है, प्राइम नंबर्स, इनका फैक्टराइजेशन अगर आप करो तो ये खुद ही मिलेगा या फिर इसका प्राइम फैक्टर ये खुद या फिर इसका 1 होता है, ठीक है। इसकी जगह अगर मैं एग्जांपल के लिए लिखूं 10, जैसे 10 लिखा जाए, तो 10 को अगर हम देखें तो ये 10 जो है ना, इसके फैक्टर्स अगर हम करें तो ये आपको मिलेगा 2 × 5 की फॉर्म में, 2 × 5 की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी ये नंबर को आप ब्रेक कर रहे हो दो नंबर्स के अंदर ब्रेक कर रहे हो, 2 और 5 के अंदर ब्रेक कर रहे हो। तो इसीलिए ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोसाइट नंबर, तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि सर जितने भी कॉम्पोसाइट नंबर होते हैं ना, जैसे 10 हो गया, आप दूसरा ले लो 20 ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो 15 ले लो, आप 12 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी कॉम्पोसाइट, के सारे नंबर्स कैसे कॉम्पोसाइट नंबर्स हैं। तो कॉम्पोसाइट नंबर्स जितने भी हैं उन सबको अगर हम एक्सप्रेस करें एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इन सभी कॉम्पोसाइट नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आगे क्या कह रहा है, इन सबका फैक्टराइजेशन जो है ना वो सबका यूनिक होता है, किसी का भी सेम नहीं हो सकता। जैसे 20 की बात करें तो 20 को आप क्या लिखोगे, सर 4 × 5, यही सोचोगे ना, 4 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 2 × 5, यही लिखोगे। देखो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस है यहाँ पे। इसी तरह से 15 को सोचो तो ये आप 3 × 5, एक और अलग ही डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी डिफरेंस आ रहा है। 12 को सोचा आपने, 12 को आप क्या लिखते, 4 × 3, 4 को आप फिर लिख देते प्राइम नंबर की फॉर्म में, 4 नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि 4 तो खुद एक कॉम्पोसाइट नंबर है, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, तो 4 को क्या लिखोगे आप, 2 की पावर 2 × 3। देखो इसका भी फैक्टराइजेशन किया, एक डिफरेंट नंबर आया। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती ही यही है कि सर जितने भी कॉम्पोसाइट नंबर्स है ना उन सबको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में जब आप लिखोगे ना सर, तो सभी कॉम्पोसाइट नंबर्स का, जितने भी कॉम्पोसाइट नंबर्स है सबका प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि एक्सप्रेस करने बोला है, सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया है आपको कि एक्सप्रेस करो 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम की फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट करना है प्राइम नंबर्स की फॉर्म में। तो आप क्या करोगे कि सर ये 98 दिया है ना, ठीक है, 98 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अरे भाई ऐसे ही करते ना, सबसे पहले आपने देखा ये नंबर कैसा है, एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, नंबर कौन सा आएगा, प्राइम नंबर 2, सबसे पहले, बिल्कुल सही, 2 आएगा। तो 2 से अगर आपने इसको डिवाइड किया, बोलो कितना आया, 49 आते ही आपके माइंड में सीधे आ गया, सर 49 तो 7 से जाएगा, सर 7 × 7 होता है, तो ये 7 यहाँ पे, ये 7 यहाँ पे और ये 1, तो इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 98 का, तो कितना आ गया कि सर 2 × 2, और 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 × 7 की पावर 2, सिंपल, बिल्कुल ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम सभी क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। देखो पूरा चैप्टर आज हम रिवाइज कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, फाइंड करने बोला है कि सर लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 और लीव्स द रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन से सबसे पहले समझो एक चीज आपको समझाता हूं कि अगर कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो, उसमें अगर लार्जेस्ट, क्या वर्ड आता है लार्जेस्ट, देखना मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि सर अगर कभी वर्ड आपने सुना लार्जेस्ट
या फिर हाईएस्ट, देख रहे हो, हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट, या इन सबसे रिलेटेड कोई आपको, मतलब आपने कोई वर्ड प्रॉब्लम भी पढ़ी और उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के भी आपको ये अंदर से फीलिंग आ रही कि सर ये तो सबसे मैक्सिमम वाला होना चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम वाला होना चाहिए। तो अगर इस तरह का अंदर से फीलिंग आ रही है या ये वर्ड अगर डायरेक्ट लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपको क्वेश्चन पढ़ के अगर सपोज फीलिंग आ रही है अंदर से कि सर ये लार्जेस्ट का इसमें आ रहा है अंदर से कि सर ये लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है, हाईएस्ट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट पूछ रहा है या मैक्सिमम नंबर की बात कर रहा है, तो उस केस में हम हमेशा क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं, क्योंकि HCF की फुल फॉर्म ही क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो भाई जहां पे भी ये हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम कुछ भी वर्ड इस तरह का दिखे ना, आपको बिना सोचे समझे क्या फाइंड करना है, दिमाग में क्या जाना चाहिए, सर मेरे को HCF फाइंड करना है, ठीक है। और अगर इसकी जगह अगर सपोज आपको कहीं दिख जाए लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट, अगर सपोज इसी क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ था स्मॉलेस्ट या फिर लोवेस्ट या फिर मिनिमम, देख रहे हो, मिनिमम अगर इस तरह का वर्ड अगर यूज हो जाए तो उस केस में समझ लो कि सर हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। अरे भाई पूरी चैप्टर के अंदर दो ही चीजें तो है, एक एलसीएम है और एक एचसीएफ है, एक एलसीएम है और एक एचसीएफ है, दो ही चीजें तो है। तो एलसीएम में क्या वर्ड होता है, लोवेस्ट होता है ना, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो इसीलिए जो लोवेस्ट वाला वर्ड से रिलेटेड जो भी होगा उसमें मैं क्या करूंगा, हमेशा एलसीएम फाइंड करूंगा। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें अगर वर्ड के अंदर से पढ़ने पे मेरे को अगर लार्जेस्ट, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट हाईएस्ट इस तरह के वर्ड अगर आ रहे हैं तो मैं सीधे सीधे क्या करूंगा, एचसीएफ फाइंड करूंगा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया कि सर कुछ भी कर लो, मेरे को तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। अब HCF फाइंड करना है किसका, तो देखो मेरे को बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करो, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, सपोज एक्स होगा और वो क्या है, एक तरह से जो भी नंबर से उनका HCF है, ठीक है। आपने लेट कर लिया कि सर HCF जो है वो कितना है, x है, इसकी वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है जो डिवाइड करता है 398, 436 एंड 542 को और रिमाइंडर लीव करता है 711 एंड 50। अरे ये रिमाइंडर लीव करने वाला क्या लफड़ा है, समझना जरा। एक सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा अगर आपको 2 से डिवाइड करना हो किसको, 5 को, 2 से 5 को डिवाइड करो तो कैसे करोगे कि सर यहां पे लिखोगे आप 2, यहां आ जाएगा 4 और रिमाइंडर बचेगा 1। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास, 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो इस रिमाइंडर 1 बचने का मतलब क्या है कि सर ये जो नंबर 5 है ना, अगर इस 5 में से इस रिमाइंडर को मैं माइनस कर देता, अगर इस रिमाइंडर को मैं 5 में से माइनस कर देता तो ये नंबर जो भी आता ना वो पूरा 2 से डिवाइड हो जाता क्या। देखो अगर मैं इस 5 में से 1 को माइनस कर देता, 5 में से 1 को माइनस कर देता तो क्या आता, 4 आता, और 4 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 2 से। 4 किससे कंप्लीटली डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। समझ में आई क्या बात? तो आपको अगर इस तरह से कभी भी क्वेश्चन में बोलता है कि सर इसको डिवाइड करते रिमाइंडर ये बच रहा है, इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर ये बच रहा है, एक क्वेश्चन का मतलब क्या आ रहा है कि वो जो लार्जेस्ट नंबर है ना, उस लार्जेस्ट नंबर से जब मैं 398 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 7। लिख लेता हूं यहां पर, इससे 398 को जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 7। और जब सर हम 436 को डिवाइड करते हैं ना तो रिमाइंडर क्या बचता है, क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है 11। और सर जब हम तीसरा जो नंबर है हमारे पास 542 और इसको जब मैं डिवाइड करता हूं ना HCF x से तो रिमाइंडर क्या बचता है, 5। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो भाई अगर ये रिमाइंडर बचता है तो सर इनको अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से तो उस केस में मेरे को पता लगेगा कि ये पूरा डिवाइड किस नंबर को कर रहा है, पता लगेगा ना।
अभी यही चीज तो सीखी हमने कि सर इस नंबर 5 में से आपने रिमाइंडर को माइनस कर दिया, कि सर इसी तरह से यहाँ 398 में से 7 जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दो, 436 में से 11 को माइनस कर दो और 452 में से 15 को माइनस कर दो। तो करो जरा माइनस, आपके पास क्या नंबर आया सर? 391 आया यहाँ पे, और 436 में से अगर 11 माइनस हुआ तो बोलो क्या बचेगा? 425 बचेगा। और 542 में से अगर 15 माइनस हुआ तो देखिए यहाँ पे 527 बच जाएगा, 527 बच जाएगा। तो हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर x है ना सर, ये जो नंबर x हमने जो लेट किया है, लार्जेस्ट नंबर, ये जो लार्जेस्ट नंबर आपने लेट किया है ना x, ये इन तीनों नंबर को, ये जो 391, 425 और 527, इनको पूरा पूरा डिवाइड कर, इनको पूरा पूरा डिवाइड करता है। ये मेरे को पता लग गया, पता लग गया। अब मेरे को ये पता है कि ये क्या है, x क्या है, इन तीनों का क्या है, HCF है। मैंने पहले लिख रखा है कि सर लार्जेस्ट वर्थ दिख गया था, तो मेरे को HCF फाइंड करना है। सिंपल, 391, 425 और 527 का HCF फाइंड कर दो। तो देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं कि सर नंबर हमारे पास क्या क्या आए थे फाइनल में, 391 और क्या आया था, 425 और तीसरा क्या था, 527, यही था ना, 527। तो इन तीनों नंबर का अब हम क्या करते हैं, HCF फाइंड करते हैं। तो HCF फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो करते हैं, देखिए करें, देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन पहले 391 का करते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए आपने देखा ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है सर, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं भाई। हमारे पास प्राइम नंबर्स जो हमने लिखे थे अभी कि सर 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। फिर उसके बाद आता है 3, तो देखो जरा ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, 3 से डिवाइड होगा नहीं सर, ये 3 से भी पूरा पूरा नहीं जा रहा, देख लो आप डिवाइड करके, नहीं हो रहा। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 5, अरे सर 5 से तो हो ही नहीं सकता, 5 के लिए तो यहाँ पे यूनिट डिजिट ही 5 होनी चाहिए थी, हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या आएगा कि सर 7 से हो रहा है क्या डिवाइड, देखिए जरा 35 कितना बचा, 441, अरे नहीं जा रहा, नहीं हो रहा सर, 57 से भी नहीं हुआ। इसके बाद 11 से जा रहा है क्या, 11 3 33 और फिर बचा 661, अरे सर नहीं गया, ये इससे भी नहीं गया, हम चेक करे जा रहे हैं, देख रहे हैं इस तरह से 13 से देखो जरा, 13 3 39, अरे सर ये तो बट यहाँ ये भी नहीं हो रहा। इसके बाद क्या आता है 17, देखिए जरा 17 से जाता है क्या, 17, अरे देखो 17 2 34 कितना बचा, 551 हो गया, अरे चला जाएगा, गेम बना अपना। देखिए 17 से डिवाइड करते हैं, 17 2 34 कितना बचा, 51 हो गया और 17 3 51। तो 391 के फैक्टर्स करने पे हमारे पास क्या आया, 17 × 23 ये आया हमारे पास, ये इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। इसी तरह से अब 425 के, तो 425 का तो सर करना थोड़ा इजी है क्योंकि ये खुद ही हिंट दे रहा है, यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो पता लग गया, पहले तो 5 से करो सर, 5 से किया, क्या रिमाइंडर आएगा, क्या बचेगा यहाँ पे क्वेश्चन पे, 8 और फिर जाएगा 5, अरे फिर से 5 आ गया, फिर से 5 से कर दो, 5 से किया कितना बचा 17, अरे 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 से तो ये हो गया वन टाइम। तो यहाँ पे आपने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया आपके पास, 5 कितनी बार आया, 2 बार, 17 कितनी बार आया, ओनली वन टाइम। देखो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते ही आपको आंसर अभी से ही क्लिक होने लग गया है। देखो आपको HCF फाइंड करना था ना, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 391 में क्या आया था, क्या दिखा आपको, ये 17 दिखा क्या, यहाँ पे देखो इसमें भी आपको 17 दिखा क्या, दिखा, तो समझ लो इसमें भी आपको 17 आना ही चाहिए और 17 ही होगा। तो हमें हिंट तो लगी गया कि सर 17 होगा, तो 17 इसका भी फैक्टर होना चाहिए, तो सबसे पहले हम 17 से ही डिवाइड कर देते हैं। जब हमें एक फैक्टर पता लग रहा है तो हम क्यों ना उसी से डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करना ईजी होगा। तो सर यहाँ 17 से डिवाइड करो, 17 से डिवाइड किया, 17 3 51, बोलो क्या बचा 17, अरे पूरा चला गया बिल्कुल, तो ये आया 17 31। देखो इसका प्राइम फैक्टर्स आपने जब किया कितना आया, 17 × 31। देखे तो तीनों में हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या आएगा, तीनों में कॉमन कौन है, 17 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो आप क्या बताओगे कि सर इसका आंसर जो आपने HCF निकालना था, आपने ग्रेटेस्ट नंबर जो लेट किया था X, वो क्या था, HCF था इन तीनों नंबर का, और वो कितना होगा,
17 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्वेश्चन में पढ़ते ही हमें पता लग गया था सर कि ये लार्जेस्ट नंबर बोला था, इसीलिए एचसीएफ फाइंड करना था। किन नंबर्स का फाइंड करना था वो हमने निकाला, क्योंकि यार रिमाइंडर बच रहा था। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट दिया हुआ होता, क्या दिया हुआ होता? स्मॉलेस्ट, तो उस केस में आप क्या करते, यहां एचसीएफ की जगह एलसीएम फाइंड कर देते। बोलो क्लियर हुआ सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो, दिवाली की तैयारी है पूरा, आपको जोश से ऐसे नहीं, पढ़ाई पूरी अच्छे से करनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जरा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइन से पढ़ते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ये वैल्यू फाइंड करनी है पी की आपको, ठीक है, पी की वैल्यू फाइंड करनी। तो क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ के क्या पता लगा कि एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032, कि सर इसका जो एचसीएफ है ना उसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो पी की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एचसीएफ फाइंड करोगे, बिल्कुल एचसीएफ फाइंड करोगे किसका, 408 एंड 1032 का, इन दोनों का आपने सबसे पहले क्या किया, एचसीएफ फाइंड करा। करो जरा, करके देखो, मैं तो डायरेक्ट, मेरे को पता है इसका एचसीएफ क्या आएगा, आप करके देखो खुद से, करके देखो इसको, वीडियो को पॉज करके आप खुद से करके देखो, आपको आंसर मिलेगा 24 की। इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा, 24 आएगा। अब ये जो 24 है, खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि सर ये जो 24 है ना इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कि इसको लिख सकते हैं, इसको लिखा जाता है 1032 इंटू 2 प्लस 408 इंटू पी की फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखते हैं, तो अब हमें पी की वैल्यू निकालनी है। कर लेते हैं सर, सिंपल सा है, अब तो हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे ये 24 एज इट इज, 1032 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4602 यही आएगा, प्लस 408 इंटू पी यही आएगा। इस 2064 को उधर भेज देते हैं, माइनस में चला जाएगा, उधर जाके बोलो क्या बचेगा 24 इसमें से, बचेगा क्या आपके पास, कैलकुलेट करके देखो, माइनस का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस का 2020 कितना बच जाएगा, 2040 बिल्कुल, ये बच गया इज इक्वल टू 408 इंटू पी, कैलकुलेट कर लो। अब तो पी की वैल्यू सिंपल सा है सर, निकल जाएगी इजीली कि सर ये आ गया माइनस का 2048 अपॉन 408। सॉल्व करने पे कितना देखो, ये 5 टाइम्स कितने टाइम्स जा रहा है, 2040 है, सॉरी यहाँ पे बिल्कुल ये 5 टाइम्स जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 5। पी की वैल्यू हमकी कैलकुलेट करनी थी, हमने कैलकुलेट कर दी माइनस का 5। बोलो क्लियर हुआ सभी बच्चों को? सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, अगला आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब की बार क्वेश्चन में देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछ लिए जाते हैं, एक एक नंबर के इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि सर एलसीएम एंड एचसीएफ, HCF and LCM of two number 9 and R is 9 and 459 respectively। आपको कह रहा है कि सर कोई भी दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, सपोज कर लो A एंड B, तो इन दोनों नंबर्स का अगर आपसे बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रहा है कि सर HCF जो है वो कितना है 9, और इन दोनों नंबर का LCM, इन दोनों नंबर का A और B का LCM कितना दिया हुआ है सर 459, ये दिया हुआ है। आपसे कह रहा है इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर जो है वो क्या है 27। सपोज लेट कर लेते हैं कि सर बी जो है ना वो कितना है 27, तो दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बोलो समझ में आ रहा है, दिमाग में क्लिक हो रहा है ना, हो रहा है ना क्लिक? चलिए तो फिर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि सर हम ये कहते हैं यहाँ पे कि सिंपल अगर दो नंबर्स हैं तो दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा सेम वही मल्टीप्लिकेशन आएगा इनके एलसीएम को अगर हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करें तो, यही आएगा, बिल्कुल आएगा, ये बिल्कुल आपका स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे को निकालनी है,
बी की वैल्यू मेरे को दी हुई है 27, पुट करो यहाँ पे एलसीएम कितना है 459, एचसीएफ कितना है 9, जरा सॉल्व करें, ये 27 को बोलो इधर से हटा के, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर से हटा के इधर डिवाइड में भेज दूं, भेज दिया मैंने, भेज दिया, 9 से ये कटता हुआ दिखा आपको 3 times, 3 से देखें जरा ये जाएगा क्या, कि सर ये 153 गया, ये तो गया, सॉल्व करने पे आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 153 आ गई क्या, 153 आ गई क्या, तो ये इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। तो आपको दूसरा नंबर पूछा था फाइंड करने के लिए, आपने फाइंड कर लिया कि नंबर क्या है 153। सभी बच्चों को क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे बेस्ड जो अभी तक हमने क्वेश्चंस करे, आई होप सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये टॉपिक हमने रिवाइज कर दिया। अब हम आगे बढ़ते कि अब हम बात करते हैं कि सर रीविजिटिंग इरेशनल नंबर, आपको कई बार इस तरह के क्वेश्चन आप देखते हो और एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर रूट टू रूट थ्री रूट फाइव प्रूव करके बताओ कि जो नंबर्स है ना ये कैसे नंबर्स हैं, एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करो सर रूट टू रूट थ्री रूट फाइव ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी मिल जाए, स्टेप्स सबके सेम होने हैं, स्टेप्स सबके सेम होने हैं। देखो कैसे, एक क्वेश्चन करके बताता हूं आपको, इस टाइप का एक क्वेश्चन करके बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, कि प्रूफ करने बोल रहा है आपको कि सर यहां पे मेरे को ये प्रूफ करने बोल रहा है कि प्रूफ दैट अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन, अब यहां पे रूट टू की जगह सपोज रूट थ्री होता, रूट फाइव होता, कुछ भी होता, रूट सेवन होता, सबके लिए सेम मेथड चलेगा, सबके लिए सेम मेथड चलेगा। स्टेप्स याद रखना बस कि सर अगर रूट टू का इरेशनल प्रूफ करना है तो देखो स्टेप नंबर वन, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सर मेरे को इरेशनल नंबर प्रूफ करने बोला है ना, तो मैं बोलता हूं रुको सर रुको, हम मान लेते हैं इसको क्या है, ये नंबर क्या है, ये एक रैशनल नंबर, कैसा नंबर है रूट टू, कैसा है एक रैशनल नंबर। तो सबसे पहला आपने क्या किया, लेट कर लिया कि ये नंबर कैसा है, एक रैशनल नंबर है, कुछ भी दिया हुआ है। अब यहाँ रूट टू की जगह रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन कुछ भी दिया हुआ होता तो आप लेट कर लेते कि लेट कर लिया सर कि ये जो नंबर है ना कैसा है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। अब अगर रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसका मतलब सर ये a upon q या a upon b की फॉर्म में होना चाहिए, होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं कि सर ये रैशनल नंबर है ना तो ये तो इस फॉर्म में होना चाहिए, इसको लिखा जा सकता है a upon b की फॉर्म में, जहां जहां पे हम कंडीशंस लिखते हैं कि सर a एंड b, ये a एंड b क्या होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स, क्या होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स, पता है को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स पता है आपको क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं आपके को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे अगर मैं 2/3 लिखूं, 2/3 लिखूं तो देखो 2 और 3 ये दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है क्या, नहीं नहीं है, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे आपके को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इसमें a और upon b की फॉर्म में आप लिखते हो को प्राइम बोलते हो तो जरूरी नहीं है ये दोनों प्राइम हो, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। देखो कैसे कि अगर मैं सपोज यहां पे लिखता 6/5 लिख देता तो क्या, देखो 6 आपका एक प्राइम नंबर है, नहीं ना, ये तो कॉम्पोजिट नंबर है, 6 को लिख सकता हूं मैं 2/3 करके लिख सकता हूं ना, तो ये तो कॉम्पोजिट नंबर, जबकि 5 एक प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए 3 और 5 क्या बनेंगे आपके को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। और भी लिख सकते हो जैसे 3/4 लिख दिया मैंने, तो देखो 4 एक प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए ये क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर कहलाएगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? तो हम पहली कंडीशन क्या देते हैं कि सर हमें जो नंबर दिया हुआ था ना, हमने लेट कर लिया कि ये नंबर कैसा है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो हमने लिख दिया a upon b की फॉर्म में होगा, जहां a और b क्या है को प्राइम नंबर है, और को प्राइम का मतलब हमें पता है कि सर ये दोनों नंबर के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ठीक है, सभी को क्लियर। अगला स्टेप देखते हैं कि सर एक काम करो, अब अगर ये को प्राइम नंबर से आपने इस फॉर्म में लिखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, नहीं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दो, आप लिखोगे a इज इक्वल टू अंडर रूट 2/b, यही लिखोगे अब अगर आपने ये लिखा तो दोनों साइड अगर मैं बोलूं स्क्वायर कर दूं,
स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो ए का स्क्वायर होके क्या आया आपके पास ए स्क्वायर। देखो इधर रूट टू बी का स्क्वायर तो रूट टू का स्क्वायर टू और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पहले स्टेप में जैसे ही आपने इसको रैश नंबर लेट किया था आपने लिखा ए अपॉन बी की फॉर्म में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया, ये आपका स्टेप नंबर वन खत्म हुआ, पहला स्टेप। इसको दे दी इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे बात करते हैं कि सर अगला स्टेप दिखाएं, अगला स्टेप बता दो सर अगला स्टेप। तो देखो अगला स्टेप मैं लिखता हूं यहाँ पे कि सर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे कि ये सर ए स्क्वायर जो है ना ए स्क्वायर इसको लिखा है आपने टू इंटू बी स्क्वायर के फॉर्म में, इसका मतलब तो सर ए स्क्वायर का एक फैक्टर कौन है टू है, इसका एक स्क्वायर का कौन है फैक्टर टू है। आप लिख रहे हो ना इसको कि सर ए स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू बी स्क्वायर, यानी ए का एक फैक्टर कौन आ रहा है, ये टू आ रहा है, ये टू आ रहा है और दूसरा कौन है, ये बी स्क्वायर है या नहीं है। तो आप कह सकते हो कि यहां से सर मेरे को ये पता लग रहा है फ्रॉम इक्वेशन वन, सर फ्रॉम दिस इक्वेशन वन मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर की टू जो है ना कि सर टू इज ए फैक्टर ऑफ, क्या लिखोगे आप, टू इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। अगर टू ए स्क्वायर का फैक्टर है तो हमने ये भी तो पढ़ रखा है सर अगर टू ए स्क्वायर का फैक्टर है तो टू जो है ना वो सर ए का भी फैक्टर होगा। सो हम लिख सकते हैं टू इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ ए होगा, क्या होगा, बिल्कुल होगा, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, ये स्टेटमेंट है आपका कि आप खुद सोच के देख लो, नहीं तो अगर आप खुद सोच के देख लो, अरे भाई अगर मैंने जैसे नंबर लिखा 36 लिखा, 36 को मैं कहता हूं कि सर ये 2 से डिविजिबल है, 36 को मैंने कहा कि सर ये 2 से डिविजिबल है, तो 36 का अगर मैंने स्क्वायर रूट किया, मैं यही तो कह रहा था ना कि सर ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल था, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया तो क्या आया ए, 36 का स्क्वायर रूट करने पे क्या आएगा 6, ये भी 2 से डिविजिबल है। देखो जरा इस तरह का कोई भी नंबर आप ले लो, जैसे अगर आपने 25 लिखा, 25 5 से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट 5, वो भी 5 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सर 2 जो है वो फैक्टर था ए स्क्वायर का, इसका मतलब कि सर ये जो 2 है ना ये ए का भी एक फैक्टर है। अब अगर ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है, अच्छा इसका फैक्टर है तो फैक्टर है तो मैं कैसे लिख सकता हूं सर, इसको लिख सकता हूं कि सर a इज इक्वल टू, इसका मतलब तो 2 इंटू सी होगा, जहां c क्या है आपका, c क्या है आपका, कोई भी एक इंटीजर है, c क्या है, कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर हमने लेट कर लिया, सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर ये आपने लिखा तो इसका मतलब दोनों साइड फिर से मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा मेरे पास कि सर ए स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, यही आया। इसको दिया आपने इक्वेशन नंबर 2, इसको दिया आपने इक्वेशन नंबर 2। अब देखें जरा गेम तो अब जमेगा, अपना गेम तो अब बनेगा सर, कि यहां पे आप इक्वेशन 1 से कह रहे हो ए स्क्वायर जो है वो 2 बी स्क्वायर के इक्वल है, आपने कहा ए स्क्वायर जो है, थर्ड स्टेप में लिख रहा हूं कि आपने कहा कि सर ए स्क्वायर जो है वो 2 बी स्क्वायर के इक्वल बताया, अभी आप बोल रहे हो कि ए स्क्वायर जो है 4 सी स्क्वायर के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल हुए क्या, हुए। यहां से अगर मैं 2 से 4 को कैंसिल कर सकता हूं, कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा कि सर बी स्क्वायर इक्वल टू 2 सी स्क्वायर। अरे देखो जरा गेम बना क्या कि आपने बी स्क्वायर इक्वल टू 2 सी स्क्वायर अगर लिखा तो इसका मतलब कि सर बी स्क्वायर का एक फैक्टर, या मैं ये कहूं कि सर 2 जो है ना वो एक फैक्टर है किसका, बी स्क्वायर का, और इसका मतलब तो ये हुआ कि सर 2 जो है वो एक फैक्टर होगा किसका, बी का भी, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ बी, आपने यही तो बोला कि 2 इसका भी एक फैक्टर होगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि सर 2 जो है वो ए का भी फैक्टर है। अरे सर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपने तो पहले बोला था ए और बी कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं आ सकता, यहां पे जबकि आप बोल रहे हो कि सर 2 ए का भी फैक्टर है और 2 बी का भी फैक्टर है, ये कैसे पॉसिबल है सर।
ये कैसे पॉसिबल है? तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता सर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये बोला है कि ए और बी तो कैसे हैं, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स हैं, तो को प्राइम नंबर्स हैं तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया था ना, हमने जो स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया था कि ये रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है, वो ही गलत था। अब ये अगर रैशनल नहीं है तो आपको पता है रियल नंबर्स दो ही टाइप के तो होते हैं, या तो रैशनल या फिर इरैशनल। तो भाई अगर ये रैशनल नहीं है तो कैसा है, कैसा नंबर हुआ, एक इरैशनल नंबर हुआ। तो आप लास्ट लाइन में क्या लिखोगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट अंडर रूट टू इज ए रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर। बोलो क्लियर हुआ क्या? सेम यही स्टेप हम बाकी सभी कोई भी अंडर रूट में वैल्यू दे दे, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, कुछ भी दे दे आपको, एज इट इज यही स्टेप्स कर, ये स्टेप्स याद कर लो। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर। चले आगे, खुद से आप प्रैक्टिस करना, सेम यही स्टेप्स लिख लिख के इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है रूट थ्री, रूट फाइव और रूट सेवन के लिए। अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं, कुछ और इस तरह पे, इस टॉपिक पे हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, कई बार आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है कि सर ये थ्री रूट सेवन जो है ना, इसको प्रूव करो कि ये कैसा नंबर है, एक इरैशनल नंबर है। तो इसमें आपको इतने सारे जो अभी तक मैंने जो ये स्टेप्स लिखे थे ना, इतने सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, इतने सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं। इसमें हम देखो कैसे करते हैं, कभी भी अब आपको, आपने रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, इनको तो इरैशनल नंबर प्रूव करना सीख लिया। अब इन इरैशनल नंबर के साथ अगर कोई इंटीजर इस तरह से आ जाए, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, एडिशन में हो, डिवाइड में हो, कुछ भी हो, तो कैसे करना है क्वेश्चन को। देखें यहां पे मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें क्या हो रहा है, ये जो इंटीजर थ्री है ना, ये इस रूट सेवन जो एक इरैशनल नंबर है, इसके क्या मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में है। तो हमें प्रूफ करने बोला है कि सर ये जो थ्री रूट सेवन है ना, ये इरैशनल नंबर होगा, ये प्रूफ करने बोला है। तो मैं स्टार्टिंग कैसे करता हूं, सबसे पहले मैंने वही तरीका कि सर सबसे पहले तो मैं लेट कर लूंगा कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर, ये क्या नंबर है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे कि सर हमने सबसे पहले लेट किया कि ये जो नंबर है ये कैसा है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल है तो इसका मतलब थ्री अंडर रूट सेवन किसके इक्वल होगा, सर ए अपॉन बी के इक्वल होगा, किया आपने, लिख दिया रैशनल नंबर, अभी आपने बोला ना, तो रैशनल है तो इसका मतलब ये a अपॉन b के फॉर्म में होगा। और हमें पता है कि सर ये a एंड b क्या होते हैं, a एंड b क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स कह लो या इंटीजर्स कह लो, कह दो कि सर ये को प्राइम नंबर्स हैं। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, ये को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स या इंटीजर की फॉर्म में होते हैं, जहां पे b आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये हम कंडीशन पढ़ते हैं एक रैशनल नंबर के लिए, ठीक है, रैशनल नंबर के लिए कंडीशन पढ़ते हैं, b कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने लिखा कि सर ये एक कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर। अब अगर ये आपने लिख दिया तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि सर ये अब आपको क्या करना है। देखो कोई भी क्वेश्चन कैसा भी, जैसे अभी यहां पे मैंने आपको बोला ना कि ये तो मल्टीप्लाई में है, अगर इसकी जगह एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे क्वेश्चन करके देखेंगे बताऊंगा मैं, लेकिन अगर इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी दिया हुआ है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको पता है क्या करना है, आपको ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ना, ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है ना, इसको आपको अकेला बनाना है। इसको क्या करना है, आपको अकेला कर देना कि भाई तू खराब आदमी, तेरे को अकेला बिठाऊंगा मैं, अकेला करूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि भाई अब इस रूट सेवन को मेरे को क्या करना है, अकेला करना है। तो अकेला करने के लिए देखा इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, थ्री है, तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर भेजना पड़ेगा सर, उधर भेजेंगे तभी तो ये रूट सेवन अकेला होगा। तो लिख दिया रूट सेवन इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में पहुंच गया, बोलो थ्री भी हो गया डिवाइड में, हो गया। अब देखे जरा कि सर इसका मतलब तो सर यहां से गेम अब अपना बनेगा कि सर ये a अपॉन b आपने खुद ने बोला अभी ये को प्राइम नंबर्स है, थ्री भी एक इंटीजर है, तो ये तो क्या बता रहा है, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है,
लिख सकते हैं कि सर ये एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि आप यहां पे देखें ये अंडर रूट 7। अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन के थ्रू तो हमने करना सीखा है सर कि हमने प्रूव करा था कि ये रूट 7 रूट 3 रूट में जितने नंबर होते हैं कैसे होते हैं, ये इरैशनल नंबर होते हैं। तो हमने कहा ये तो सर कैसा है, इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब सर यहां क्या हो रहा है कि आप बोल रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो कि सर ये इरैशनल नंबर इस रैशनल नंबर के इक्वल है। अरे सर क्या मजे ले रहे हो क्या, ये एक इरैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ये तो कभी भी दुनिया में हो ही नहीं सकता। एक इरैशनल नंबर एक रैशनल नंबर की कभी भी इक्वल नहीं हो सकता सर, हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है कि हमारे पास जो ये स्टेटमेंट आया ये स्टेटमेंट गलत है। और ये स्टेटमेंट कब आया था, जब हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन किया था कि सर ये कैसा है, एक रैशनल नंबर है। अरे भाई अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, ये स्टेटमेंट ही हमने गलत अज्यूम किया, तो ये रैशनल नंबर अगर नहीं है तो कैसा नंबर है, कैसा नंबर होगा ये 3 root 7 कैसा होगा, एक इरैशनल नंबर होगा, इरैशनल नंबर होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अब आपको दिख जाएं, जैसे यहां पे तो मल्टीप्लाई में था, सपोज मल्टीप्लाई की जगह एडिशन डिवीजन, मल्टीप्लाई की जगह इसमें आपको एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन किसी भी फॉर्म में मिल जाए क्वेश्चन, आपको कर देना है, सेम इसी तरह से करना है। देखो और क्वेश्चन एक करके दिखाता हूं आपको एक और अगला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे आपको क्या दिया है 2 + 3 root 5 प्रूफ करने बोला है कि ये कैसा है, एक इरैशनल नंबर। तो आप कैसे करोगे जैसा अभी मैंने सिखाया आपको, मैंने तो अभी आपको ये सिखाया ना, आप सबसे पहले लेट करोगे ये नंबर कैसा है, एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो सर मैं लिखूंगा इसको 2 + 3 √5, ये एक रैशनल नंबर आपको एज्यूम करना है, लेट करना है। तो मैं लिखूंगा सर इसको a/b की फॉर्म में लिख दूंगा, और रैशनल नंबर लिखा है तो आप इस कंडीशन भी लिख दोगे कि सर ए और बी क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स हैं और बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जो कंडीशन होती है रैशनल नंबर की, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। तो समझ जाना कि a/b की फॉर्म में है। अब दूसरे स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया था कि सर दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो कि जो भी ये अंडर रूट वाली वैल्यू है ना, ये जो भी अंडर रूट वाली वैल्यू है ना, इसको आपको क्या करना है, अकेला। तो अकेला करने के लिए सबसे पहले कौन जाएगा, ये प्लस का 2 जाएगा क्या, बोलो इस प्लस के 2 को उधर भेज दूं, ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए इधर बचा मेरे पास 3 √5 विच इज इक्वल टू a/b, और ये 2 उधर गया, बोलो कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। अब सर अब क्या करना है मेरे को, तो रूट फाइव को अकेला करना है, मेरे तो दिमाग में यही चल रहा है सर, इस 3 का भी कुछ करना पड़ेगा, ये 3 आप मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो थर्ड स्टेप में आप इस 3 को भी उधर भेज दोगे, तो ये इधर बच गया √5। अरे यही तो करना था। तो सर √5 इज इक्वल टू, देखो 3 उधर गया है तो ये दोनों के डिवाइड में जाएगा, दोनों के डिवाइड में पहुंचेगा, इस a के डिवाइड में क्या, ओनली b, तो 3 और पहुंच गया, बोलो 3b हो गया, माइनस 2/1 है तो ये 3 इधर भी पहुंचा है, तो सर ये 2/3 हो गया। अब देखे जरा, अब आप क्या कहोगे, अब आप कैसे लिखोगे कि सर ये 2/3 जो है ना, 2/3 ये कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर। ये a/3b ये कैसा नंबर है कि सर ये भी एक रैशनल नंबर है। रैशनल में से रैशनल को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, तो रैशनल को जब रैशनल में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलता है। और इधर से देखें, इधर से जरा ध्यान दें सर, ये इधर क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट फाइव कैसा नंबर होता है कि सर ये तो इरैशनल नंबर होता है। और आप कह रहे हो ये दोनों इक्वल, अरे सर मजे मत लिया करो, आप इरैशनल नंबर कभी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कभी भी दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये अगर स्टेटमेंट रॉन्ग आ रहा है,
ये स्टेटमेंट रॉन्ग आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग एजम्पशन किया है कि ये नंबर कैसा है, एक रैश नंबर, वो ही रॉन्ग था। तो अब ये रैशनल नहीं है तो कैसा होगा, एक इरैशनल नंबर होगा, क्योंकि नंबर्स दो ही टाइप के तो होते हैं सर। हमने ये पढ़ लिया, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ लिया कि नंबर दो ही टाइप के तो थे, एक रैशनल और दूसरा इरैशनल। इसी के अकॉर्डिंग तो हम कैटेगराइज करते थे। तो रैशनल अगर नहीं है तो इरैशनल में जाएगा, कोई तो बचाने आएगा इसको। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी बच्चों को? अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखें जरा, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो अभी तक तो हमने ये अंडररूट टू अंडररूट थ्री जो इरैशनल नंबर्स थे इनको प्रूफ करना सिखा दिया मैंने, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो, इससे पहले सबसे पहले हमने रूट टू को इरैशनल प्रूफ करना सीखा, उसके बाद फिर मैंने आपको इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई नंबर आ जाए उसको आपको इरैशनल प्रूफ करना सिखाया। अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मैंने एडिशन में लेके दिखाया, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप्स यही रहते। हमें तो क्या करना है, जो अंडररूट वाली वैल्यू है ना उसको अकेला बनाना, बना दो उसको अकेला, अपने आप खुद क्वेश्चन बोलेगा ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, आपको खुद पता लगेगा। अगला, अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है, अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तो अगला टॉपिक आपका बहुत ही सिंपल सा है सर, कि ये बोल रहा है कि सर रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। सर ये तो रैशनल नंबर पे बात कर रहा है, रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन पे बात कर रहा है, जो हमने क्लास नाइन्थ में करा है। हमने क्लास नाइन्थ के अंदर करा था सर, हमने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था कि नंबर्स जो है ना, जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना सर, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था ये, रैशनल नंबर्स जो होते हैं ना ये दो टाइप के, आपने इनका डेसिमल एक्सपेंशन किया था तो दो टाइप के नंबर मिलते थे। एक मिलता था आपका टर्मिनेटिंग, याद आया आपको, टर्मिनेटिंग, और दूसरा मिलता था आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। यही है ना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। फिर आप नॉन टर्मिनेटिंग की फिर से दो कैटेगरी बनाते थे कि सर एक होता था रिकरिंग और दूसरा होता था नॉन रिकरिंग। यही होता था नॉन रिकरिंग, यही होता था ना। तो यहां पे इन्हीं रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी जा रही है। सर रैशनल नंबर को जब डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं हम, तो दो ही तरह के डेसिमल मिलते हैं, या तो टर्मिनेटिंग मिले या फिर नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, दो ही तरह का मिलेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि इसको रिविजिट करो, रिविजिट मतलब कुछ ट्रिक विक सिखाएगा। तो ट्रिक क्या होगी कि सर जैसे आपने, हमने क्लास नाइन्थ के अंदर किया था तो हमें जैसे नंबर दिया कि 9/4 और आपको बोलता था कि इसको चेक करके देखो कि टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम क्या करते सर इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे। तो रुक जाओ यहाँ पे, अब रुक जाओ कि वो तो नाइन्थ क्लास की बात थी ना, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप प्रमोट हो चुके हो, टेंथ में पहुंच चुके हो। अरे भाई टेंथ में तो कुछ तो नया सीख के जाओगे ना, कुछ तो अच्छा सीख के जाओगे कि सर ये जो हमने लिखा था ना, इसमें एक चीज होती है कि यहाँ पे जो भी रैश नंबर है, जो कोई भी रैश नंबर है, हमें पता है रैश नंबर तो होता है किसकी फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म, ठीक है। तो इसका जो ये डिनोमिनेटर है ना, ये ही सब बता देता है कि ये जो रैश नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये किससे पता लगा सकता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इस डिनोमिनेटर से, बिना डिवाइड करे। मेरे को डिवाइड वाइड कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना, मेरे को सिर्फ इस जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने, क्या करने मेरे को, इस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करने, कि अगर मैं इस डिनोमिनेटर क्यू के प्राइम फैक्टर्स करूं और उसके प्राइम फैक्टर्स आपको मिल जाए 2^m (5)(n) की फॉर्म में, जहां n और m क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, एन और एम क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो क्यू जो है, अगर डिनोमिनेटर जो है सर मेरे को 2^m (5)(m) में मिल जाए, तो इसका मतलब अगर इस फॉर्म में मिल गया तो मैं क्या कहूंगा कि टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। इसको थोड़ा और सिंपल लैंग्वेज में समझो कि आपको कोई भी रैश नंबर दिया हुआ है, कोई पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई भी नंबर एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, आपने उसका डिनोमिनेटर उठाया, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स करके देखे। अब उसका जब आपने प्राइम फैक्टर्स करा, ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर का आपने प्राइम फैक्टर करा, तो प्राइम फैक्टर करने पे या तो टू
ध्यान से सुनना, या तो मैंने क्या कहा कि सर या तो टू या फिर फाइव या फिर टू एंड फाइव, दोनों क्या है, या तो टू या फिर फाइव या फिर टू और फाइव, दोनों अगर ये डिनोमिनेटर में इसके प्राइम फैक्टर्स करने पे ये नंबर्स की फॉर्म में अगर प्राइम फैक्टर्स होते हैं, इन नंबर्स की फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो हम कह देंगे सीधा सीधा कि सर ये टर्मिनेटिंग होता है। और अगर इन दो के अलावा कोई भी तीसरा पहुंच गया, कोई भी तीसरा नंबर आ गया तो आप क्या कह दोगे, सर अब तो ये गेम खराब कर चुका है, कि ये सर गेम खराब कर देगा, तो ये उस केस में मैं क्या कहूंगा, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहूंगा। जैसे देखो यहां पे, ये आपने 9/4 लिखा है ना, जैसे यहां पे देखे, ये आपने 9/4 लिखा है, इस आपको डिवाइड करना ही नहीं है, आपने 4 के फैक्टर देखे, आप 4 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 2। अरे देखो इसका डिनोमिनेटर जो है, इसका जो डिनोमिनेटर है वो किसकी फॉर्म में मिल रहा है, सिर्फ 2 की फॉर्म में मिल रहा है, ओनली 2। मैंने यही तो कहा था, या तो 2 या फिर 5 या 2 और 5, दोनों तो भी चलेगा, अपना काम चलेगा, ठीक है, 2, 5 या 2 और 5 दोनों, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या कह दूंगा, सर ये नंबर कैसा है, बिना डिवाइड करे सीधे सीधे कि ये टर्मिनेटिंग है। अगर इसकी जगह देखना जरा, अगर ये लिखा हुआ होता 1/25, ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो आप क्या करते, सिर्फ डिनोमिनेटर को चेक करते, डिनोमिनेटर देखते हैं, तो यहां पे इसका डिनोमिनेटर 25, क्या लिखोगे इसको, 5 की पावर 2। अगर 125 होता तो 5 की पावर 3, तो 5 की फॉर्म में मिल रहा है, भाई डिनोमिनेटर क्या मिल रहा है, 5 की फॉर्म में मिल रहा है। सर यही तो आपने बताया था, या तो 2 मिले या 5 मिले, तो 5 मिल रहा है यहाँ पे, तो मैं क्या कहूंगा, ये भी कैसा है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। इसी तरह से और देखो जैसे अगर मैंने लिख दिया कि सर यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 99/100 ये लिख दिया मैंने, 100 के प्राइम फैक्टर्स आपने करके देखा, ये तो वैसे ही सीधा सीधा है कि सर ये तो टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन देखो तरीका, देखो कि 100 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, या 100 की जगह कुछ और ले लें, आप बोल दो कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे, अज्यूम कर लो 20 लिख दिया, तो 20 के प्राइम फैक्टर्स करो, 20 को आप क्या लिखोगे कि सर 4 × 5, यही लिखोगे, 4 को क्या लिखते हो आप, 2 की पावर 2 × 5, देखो जरा क्या इसका डिनोमिनेटर जो है उसके प्राइम फैक्टर करने पे सिर्फ 2 और 5 की फॉर्म मिल रही है। तो बिल्कुल इस केस में सर ये भी क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा। कैसा होगा, एक टर्मिनेटिंग होगा। केसेस समझ में आए, इसके तीनों केसेस, तीनों तरीके समझ में आए। लेकिन अब देखिए जरा, अब अगला देखें कि अगर सपोज ये लिखा हुआ है 1/60, ये लिख दिया मैंने, 1/60 लिख दिया, तो अब सोचो जरा क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आपको मैंने क्या सिखाया है कि सर डिनोमिनेटर की फैक्टर करो ना, तो आप तो न्यूमरेटर को छोड़ो, डिवाइड बाइड कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर के फैक्टर करो। तो 60 के फैक्टर सोचो जरा कि आप क्या सोचते, सर साइड में लिख देता हूं एक बार, सिंपल से सोचते कि सर 6 × 10, यही सोचते। 6 के फैक्टर फिर हो जाते सर 2 × 3 और 10 के फैक्टर 2 × 5, यही होते। तो इसका मतलब तो क्या आ रहा है कि सर 2 की पावर 2 × 3 × 5। अरे देखें जरा कि सर 60 के जब प्राइम फैक्टर करें ना, तो यहां गड़बड़ करने कौन उठ के आया है, ये 3 आया है, 3 आ गया यहाँ पे, 3 पहुंच गया। अब ये 3 आने से लफड़ा हो चुका है, ये अब सर ये नहीं रहेगा, ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग नहीं रहा, ये क्या बन गया, नॉन टर्मिनेटिंग बन गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब एक और चीज सीखना जरा, अगर सपोज यही ऐसे लिखा हुआ होता, थ्री अपॉन सिक्सटी अगर ये लिखा हुआ होता तो सबसे पहले आप एक बार चेक कर लो, आपको जो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिया ना, चेक करके देख लो कहीं कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा, आपको सबसे पहले ये देखना है कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। जैसे 3/60 अगर मैंने लिख दिया ना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको कैंसिल करोगे, कैंसिल आउट हुआ 3 से, तो ये कितना आ गया 1/20, और 1/20 तो अब भी हमने बात करी थी सर, ये 20 के फैक्टर्स 2 की पावर 2 × 5, ये तो एक टर्मिनेटिंग होगा।
ठीक है, तो देखो सिर्फ 3/60 देखते ही आप सिर्फ 60 के फैक्टर्स कर देते तो आप बोलते थे नॉन टर्मिटिंग, लेकिन ऊपर 3 से ही कैंसिल भी हो रहा है। कैंसिल अगर हो रहा है, कैंसिल होने के बाद अगर ये 3 हट गया या कोई सिर्फ डिनोमिनेटर मेरा 2 और 5 की फॉर्म में आ गया तो मैं टर्मिनेटिंग ही कहूंगा, तो मैं टर्मिनेटिंग ही कहूंगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? तो अब हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था कि सर डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सिंपल सा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, या तो 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5, दोनों इसी फॉर्म में होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर अगर आपको मिलता है तो आप क्या कह दोगे कि सर ये तो नॉन टर्मिटिंग है। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे मेरे से पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि सर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैश नंबर क्या होगा, कि 43/2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, कि इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो ये कितने डिजिट्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद, हाउ मेनी प्लेसेस के बाद इसमें डेसिमल टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो टर्मिनेट कब होता है, टर्मिनेट कब होता है देखें जरा। मैंने क्या बताया था अभी कि नीचे क्या होना चाहिए, 2 और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, तो टर्मिनेट पूरा पूरा ये कैसे होगा कि सर देखें ये 2 की पावर 4 है और ये 5 की पावर 3 है ना, तो इधर 2 की एक पावर कम है, एक पावर कम है, तो मैं काम करता हूं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर दिया। करते ही देखें कि 43 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 5 और ये आ जाएगा 21, 215, और नीचे क्या बन गया कि सर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। देखे जरा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 215 अपॉन, ये आपने क्लास 9th में रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की होल पावर 4। 2 इंटू 5 का मतलब क्या हो गया, 10, तो बोलो 215 अपॉन 10 की पावर 4 आया। 10 की पावर 4 का मतलब क्या है कि सर इसमें जो डेसिमल लगेगा ना वो कितने डिजिट्स के बाद लगेगा, 4 डिजिट्स के बाद लगेगा। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर इसको अगर आप डिवाइड करके लिखोगे तो 10 नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो ऊपर डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 4 डेसिमल्स के बाद लगेगा, तो 0.0215 ये आएगा। तो कितने डेसिमल्स के पहले लग रहा है, 4 डेसिमल्स के पहले, 4 4 नंबर्स के पहले लग रहा है डेसिमल, इसका आंसर क्या हो जाता, 4 हो जाता। बोलो क्लियर हुआ कि सर 1 2 3 4 चार नंबर्स आ रहे हैं, कितने कितने के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 4 के बाद टर्मिनेट हो रहा है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको बोल रहा है चेक करो वेदर इट इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये कैसा डेसिमल है। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर किया जाए तो कैसा आएगा, आपने सीधे सीधे नजर घुमाई, नजर घुमाई तो डिनोमिनेटर पे आपने देखा कि सर 2 ओके है, 5 ओके है, 7, अरे सर इसी ने तो गेम खराब किया है, ये 7 की पावर 5 यही तो गेम खराब कर रहा है, 7 की पावर 5, ये नहीं चाहिए था। देखा एक बार कहीं ऊपर से कैंसिल तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा सर, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो डिनोमिनेटर में 7 की पावर 5 दिख गया, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला नंबर होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या, बोलो क्लियर हुआ। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग ही क्यों बोला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला मैंने, अरे अरे देखो जरा, अरे थोड़ा सा देखो जरा, अरे यहाँ पे देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपने दो कैटेगरी बनाई थी, एक रिकरिंग और एक नॉन रिकरिंग। भाई नॉन रिकरिंग वाले को आप क्या बोलते हो, एक नया नाम आपने पढ़ लिया है, नया नाम आपने पढ़ लिया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग को आप क्या बोलते हो, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हो ना, इरेशनल नंबर। तो अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाता तो ये तो इरेशनल नंबर हो जाता, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि ये तो रैशनल नंबर है, ये तो खुद आपको बोला है ना रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर की हमने बात करी है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो इरैशनल नंबर में चला जाता है सर। तो हम इसी तरह से बिल्कुल डिसाइड करते हैं कि ये सर क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन बोल रहा है चेक वेदर इट इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखा जरा कि सर 77/210 ये दिया हुआ है, देखो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, आपको क्या लगता है, पहले कुछ भी डिसाइड करने से पहले देख लिया हमने एक बार कैंसिल वैंसिल हो सकता है क्या। देखो 7 से कैंसिल हो सकता है, ऊपर कैंसिल होगा कितना आएगा 11, नीचे कैंसिल होगा 7 से, बोलो कितना आएगा,
थर्टी यही आएगा। अब 30 आया तो 30 के प्राइम फैक्टर करें मैंने, ऊपर वाला तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी है एज इट इज रहने दो। 30 के प्राइम फैक्टर सोचो जरा क्या होंगे, इससे 2 × 3 × 5 होगा क्या? देखिए जरा 2 × 3 × 5 होगा क्या? होगा, बिल्कुल होगा, यही होगा। अब अगर ये है तो गड़बड़ किसने करी आके? इस 3 ने आके गड़बड़ कर दी। ये 3 अगर नहीं आता ना तो मैं बोल देता टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये 3 आ गया, इसी ने लफड़ा किया। हमको तो यही पता है ना टर्मिनेटिंग में सिर्फ 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, लेकिन कोई भी तीसरा नहीं आ सकता 3 के अलावा, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी आया ना तो मैं सीधे सीधे क्या बोलूंगा, ये तो सर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, कह दो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। बोलो क्लियर हुआ सभी बच्चों को? तो यहां तक सारे क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस हमने किए, क्या पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो हमने रिवाइज करे सभी बच्चों को क्लियर हुए? तो अब चलिए फटाफट से मेरे को कुछ क्विज के आंसर कर दीजिए। क्विज मैं पूछता हूं आप लोगों से, उसका आंसर कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जरा, 30 सेकेंड का टाइम है, फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कि इसका आंसर क्या आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 करो जरा, सिखा दिया मैंने, बहुत ही सिंपल सा है कि 156 के प्राइम फैक्टर्स करने पे क्या आएगा, करें जरा सॉल्व, देखें कितने बच्चे करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं इसका। 10 सेकेंड्स, जल्दी फास्ट। 156 के फैक्टर 4, 3, अरे जल्दी 2, और ये 1, टाइम खत्म, टाइम हो चुका है खत्म। तो देखें जरा इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा कि सर 2 की पावर 2 × 3 × 13, बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप आप लोगों ने बिल्कुल कैलकुलेट करके देख लिया होगा कि 156 के फैक्टर करके आपने देख लिया होगा। आगे चलें, क्या अगला क्वेश्चन पूछ लूं क्या आपसे? चलिए अब अगला क्वेश्चन, इसका जरा फाइंड करके बताओ मेरे को एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा, 26 और 91 का एलसीएम, एलसीएम फाइंड करने बोला है। प्राइम फैक्टर फटाफट बिल्कुल आना चाहिए आंसर इसका, टाइम हो चुका है खत्म। अरे भाई एलसीएम पूछा था तो आपको क्या करना था, प्राइम फैक्टर्स करने थे ना, तो 26 के प्राइम फैक्टर आप क्या लिखते, सर 2 × 13, यही तो लिखते। 91 के प्राइम फैक्टर आप क्या लिखते, सर 13 × 7, यही तो होता। तो देखें अगर मेरे से एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, तो सर 2, इसमें 2 भी आएगा, 13 भी आएगा और 7 भी आएगा, जो सबके सब ये आए, ये मेरे पास आ गया 2 × 13 × 7, मल्टीप्लाई करके देख लो 182 आएगा क्या, 182 इसका आंसर हो जाएगा क्या? बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखें जरा करके बताओगे, सपोज करो मैं बता देता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। ये 26 और 91 का अभी आपने एलसीएम निकाला था ना, तो मेरे को बता दो अब एचसीएफ क्या आएगा। 26 और 91 का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा? बिल्कुल अभी तो हमने प्राइम फैक्टर्स करे थे 26 के 91 के, तो प्राइम फैक्टर्स में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा था? बिल्कुल बच्चों बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है, करिए जरा फटाफट से, टाइम खत्म होने वाला है और मेरे को बिल्कुल बच्चों के करेक्ट आंसर मिलेंगे, बिल्कुल कि यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन सी। सर अभी तो किए थे प्राइम फैक्टर्स आपने, इसमें हाईएस्ट कॉमन वाला तो 13 ही था, तो HCF क्या आ गया, 13 आ गया, बिल्कुल करेक्ट। सभी बच्चों को क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, चेक वेदर कि दिस नंबर इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, देखते ही बता दोगे, बिल्कुल फटाफट से सबका आंसर आना चाहिए, देखते ही पता लगेगा। आपको चेक करना है किसको, डिनोमिनेटर का बेबी, क्या उसका प्राइम फैक्टर खुद ही करके दिया है इस क्वेश्चन में, तो खुद ही करके दिया है, आपको सिखाया है मैंने, या तो क्या होना चाहिए सिर्फ 2, या फिर क्या होना चाहिए सिर्फ 5, या फिर 2 और 5 दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या होता है,
क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट, ये टर्मिनेटिंग होता है, टाइम भी खत्म हो गया और बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर ये टर्मिनेटिंग होगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, चलिए अब हम आखिरी क्वेश्चन बिल्कुल देख लेते हैं। चेक वेदर 6/15 ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या कहोगे इसको, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या कहोगे इसको, फटाफट से देख लेना, देख लेना जरा सॉल्व करके। टाइम खत्म होने वाला है फास्ट, 6/15 कुछ कैंसिल हो रहा है, जल्दी से देखो देखो बिल्कुल, अरे टाइम खत्म हो गया, ये बिल्कुल एक टर्मिनेटिंग नंबर है, जिनका आंसर टर्मिनेटिंग आया बिल्कुल करेक्ट है, 6/15 बोला है ना, तो पहले 3 से देखो कैंसिल हो रहा है, मैंने यही तो बताया था ना कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, 6/15 कितना आएगा, 3 से कैंसिल होके बोलो ये 2/5 आएगा क्या, देखे जरा डिनोमिनेटर, कोई दिक्कत नहीं सर, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर हो गया क्या, सभी बच्चों को क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में हमने पूरा रियल नंबर का कंप्लीट चैप्टर क्विकली रिवाइज कर दिया क्या, अरे भाई दिवाली का धमाका चल रहा है, दिवाली की छुट्टियां चल रही है, आप अब तो आप लोग फटाफट से ये क्वेश्चंस को बिल्कुल कर जाओगे, अब आज मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, अब आपको खुद से और मैंने 15 कराए तो आपको तो 30 क्वेश्चन आज करने, खुद से करने, खुद से बुक्स उठाओ, बुक्स का आपके पास भरमार है, आप एनसीईआरटी करो, आरडी शर्मा करो, आरएस अग्रवाल करो, किसी से ही करो, जो टॉपिक्स रिलेटेड इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिले सब कर जाओ, सब कर जाओ बिल्कुल, ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करनी है अब आप। चलिए तो अब हम सेशन को एंड करने की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कि बेटा आप मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा एडुकेटर जो आपका टीचर है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इस लिंक के थ्रू जाके आप अनअकैडमी ऐप पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, इस लिंक के थ्रू जाके आप हमारे अगर रेगुलर अपडेट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और हर वीडियो के सेशन मेरे इसमें आपको मेरा कोड भी मिल जाएगा SS Maths, ये मेरा कोड है जिस कोड को आपको अप्लाई करना है टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट, ठीक है, ये अगर कभी भूल जाओ तो इसके थ्रू आप जाके बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अब इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेते हो तो फिर जाके आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, आपका गोल अभी आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो क्लास 10th आप लोग सेलेक्ट करोगे, 10th को सेलेक्ट करके इसमें आप लोग प्लस पे क्लिक करोगे, जैसे ही प्लस पे आप लोग क्लिक करते हो तो वहां पे आपके पास गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा, उस पे फटाफट से टिक करो और फटाफट से प्लस को सब्सक्राइब कर लो। प्लस में आप 1 month से लेकर 36 month का मैक्सिमम ड्यूरेशन आप अपने अकॉर्डिंग प्लान चूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लान अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। और इस प्लान को लेते टाइम देखो जितना लॉन्ग टर्म का प्लान लोगे उसमें आपको वैसे ही डिस्काउंट मिलेगा। उसके अलावा आप अगर मेरा कोड और यूज करते हो, ये जो मेरा डिस्काउंट कोड है इसको अगर आप यूज करते हो SS Maths, इस कोड को आप यूज करते हो तो आपको और एडिशनल 10% का और डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से बिना देरी करे फटाफट से प्लस को सब्सक्राइब करिए जल्दी से। मैंने आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में भी आपको बता देता हूं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए कंप्लीट पैकेज है, पूरा पैकेज है। इस पैकेज के थ्रू आपको मतलब कहीं कुछ भी नहीं भटकना, बिल्कुल प्रॉपर एकदम गाइडेंस मिलेगा इसमें आपको, एकदम पर्सनल इसमें आपको मेंटरशिप दी जाएगी, पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी इसमें एडुकेटर्स के थ्रू। लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे कि आपके कोई भी डाउट्स अगर आते हैं कहीं पे भी किसी भी टॉपिक के अंदर तो उनको लाइव सॉल्व किया जाएगा। लाइव इसलिए क्योंकि कई बार सिर्फ सॉल्यूशन देखने से सॉल्व नहीं हो, समझ में नहीं आता ना, तो लाइव जब आप समझते हो तब आपका डाउट असल में क्लियर होता है, ठीक है। तो लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस इसमें आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपकी वीकली रिपोर्ट होगी, वीकली रिपोर्ट जिसमें आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज करके दी जाएगी कि आपने कितनी क्लास अटेंड करी, आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आए, क्विज में आपके कितने मार्क्स आए, जिससे आपके इस रिपोर्ट से आपको भी पता लगेगा कि हाँ मैं किस लेवल पे अभी चल रहा हूँ, मैं किस लेवल पे हूँ, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस उस अकॉर्डिंग
इंक्रीज करनी है, ठीक है, बिल्कुल डे बाय डे इंक्रीज करनी है, हमें टॉप करना है टेंथ में, हमें बिल्कुल टॉप करना है टेंथ में बिल्कुल इस बार, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस को डे बाय डे इंक्रीज करना है बच्चों, ठीक है, एकदम डे बाय डे इंक्रीज करना है बच्चों, ठीक है। तो इसी के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर कि इसमें पेरेंट्स टीचर कम्युनिकेशन किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी कंसर्न है तो वो पेरेंट्स के थ्रू इसमें मेंटरशिप मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा आपका स्टडी प्लानर होगा कि आपको कंप्लीट वन मंथ का पूरा शेड्यूल आपको पहले से पता होगा कि इस मंथ में आपको क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा, किस टाइम पे पढ़ाया जाएगा, सब कुछ आपको वन मंथ का कंप्लीट शेड्यूल पहले से पता होगा, जिससे आप अपनी अदर स्टडीज को भी टाइम प्रॉपर वे में दे सकते हो, उनका भी शेड्यूल आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उनको अपना प्लान कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आपको इसमें कंप्लीट स्टडी प्लानर मिलेगा। और इन सब फीचर्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई ये सारे तो इंपॉर्टेंट फीचर्स इसमें मिलेंगे ही, साथ में आपको प्लस के भी सारे बेनिफिट्स इसमें आपको मिलते रहेंगे, प्लस के भी सारे कोर्सेज आप इसमें, प्लस के सारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल जल्दी से बेटा फटाफट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान भी आप ले लो, जो आपको अच्छा लगता है, प्लस को लेना चाहो प्लस को, आइकॉनिक लेना चाहो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान पे चले जाओ, ये भी आपके लिए सेम वही मिनिमम वन मंथ से लेके 36 मंथ तक का आपके पास मैक्सिमम इसमें भी प्लान है। अलग अलग जितने लॉन्ग टर्म का आप प्लान लोगे उतना ही आपको इसमें डिस्काउंट मिलता जाएगा। और अगर आप इसमें भी मेरा कोड अप्लाई करोगे, ये जो मेरा कोड है SS Maths, अगर इस कोड को आप अप्लाई करोगे तो आपको इसमें फिर से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान पे थोड़ा सा विचार विमर्श करो, और करो इसको जल्दी से करो अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए, है ना बच्चों, जल्दी से। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, अगर ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, जिससे आपको हमारे सभी सेशंस की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, अरे इधर उधर के व्हाट्सएप के चार मैसेज करते हो, इस वीडियो को भेजो अपने दोस्तों को ग्रुप में, जिससे वो भी आके वो भी समझे, वो भी सीख जाए, एक घंटे के सेशन फटाफट से वो भी सब कुछ सीख जाएंगे, पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और साथ में उनको बोलो कि वो भी आके जुड़े, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और हमारे साथ साथ में क्लासेस लें, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। दिवाली की छुट्टियां चल रही है, सिर्फ मौज मस्ती नहीं करनी, पढ़ाई भी करनी, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ाई करनी है, रेगुलर बिल्कुल पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से अब मैं क्लास को एंड करने की तरफ चलता हूं। अगेन मैं आप लोगों को एक बार अपना फिर से कोड बता देता हूं कि ये मेरा कोड है SS Maths, जिसको आप यूज कर सकते हैं टू गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन प्लस कोर्सेज एंड ऑल्सो ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है बच्चों। चलिए तो फिर अपनी मुलाकात होगी फिर से, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, और दिवाली एंजॉय करो, लेकिन स्टडीज को भी छोड़ना नहीं है, स्टडीज को पूरा प्रॉपर टाइम देना है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एवरीवन, हैव ए नाइस डे, बाय टू ऑल।